अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुको, ये तमाशा बंद करो। ये जो आजकल का चलन चल रहा है, ये प्यार का दिन मनाने का, इस मनोरंजन के चक्कर में तुमने अपने घर के संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज सबसे खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अपने बड़ों का नाम, खानदान का नाम इसे संभाल के रखो बेटा। ये जो ये जयमाल है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो किसी के साथ भी कहीं भी कर लिया। नहीं बेटा, ये हमारे खानदान के बच्चों को शोभा नहीं देता। बंद करो ये सब। नंदन बेटा, तुम्हारी ये सरप्राइज पार्टी, ये नाच गाना, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन वरमाला की रस्म, ये हमारी संस्कृति है बेटा, हमारा संस्कार है, हमारा कर्म कांड है। बिना मंत्र, बिना पंडित के, बिना मंडप, बिना मुहूर्त के इस वरमाला की रस्म का कोई महत्व नहीं है बेटा। हमारे इस खेल खेल में हमारी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए बेटा। बेटा नंदन बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो कुछ भी तुम करना चाहते हो ना, ये सही मुहूर्त के सिवा हो नहीं सकता। उसी सही मुहूर्त का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ पापा। पार्टी वन। सुमन, बस मैं तुमसे इतना जानना चाहता हूं कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें गिफ्ट के रूप में अपने हाथों से पहनाया था वो कहां है? मेरे वापस लौटने के बाद मेरी तरफ से वो पहला गिफ्ट था तुम्हारे लिए, जो कि कायदे से मेरी प्यारी पत्नी के गले में होना चाहिए था, लेकिन कायदे की फिक्र किसे। अरे क्या हो गया बताओगे नहीं तुम? कहां गया? या तुमने खो दिया मुझे? I mean, मेरे प्यारे गिफ्ट को। वो नेकलेस तो हमने नंदनी को संभाल के रखने के लिए दिया। नंदन कमाल है यार, बड़ा कंफ्यूजन है इस घर में। तुम कह रही हो कि नंदनी को दिया है, माँ कहती है कि तुमने माँ को दिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने किसे दिया है, तुमने माँ को दिया है या नंदनी को दिया है? सुमन, मुझे क्या ये सोचकर परेशान होना चाहिए कि तुमने मेरे गिफ्ट की कद्र नहीं की, या तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है? नंदन, ये क्या बोल रहे हो तुम? कहना क्या चाहते हो? कुछ भी बोल रहे हो। कहना नहीं चाह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू नो
और डोंट वरी ओके, ये इतनी भी अजीब बात नहीं की है मैंने। हमारी शादी शुरू हुई नहीं कि उसके पहले ही खत्म हो गई। महीनों बीत गए, जिंदगी दौड़ती रही, ये तुम्हें तुम्हारा अकेलापन असहायपन ये सब सोचकर कभी तुम्हें किसी और के लिए कोई फीलिंग नहीं आई? क्या है ना सुमन, हालात और जज्बात कभी खुद पे काबू नहीं कर पाते। या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारा साथ देता हो, कोई ऐसा जो तुम्हारा बहुत ज्यादा केयर करता हो, यू नो मोर पावर, कोई ऐसा जो तुम्हारे रोने पे अपना कंधा देना पसंद करता हो। वो क्या है ना, कहते हैं ना कि मन जो होता है ना बहुत कमजोर होता है, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता, क्या फिसल जाता है। जब कोई नेक खूबसूरत साथ देने वाला हो तो। पता है सुमन, अब ना मुझे भी ये फील होता है कि तुम मुझसे ना दूर रहने का बहाना ढूंढते रहती हो। हाँ हो सकता है कि ये मैं गलत सोच रहा हूँ, हो सकता है कि ये मेरा भ्रम, और ये भी हो सकता है कि तुम किसी के करीब जाने की कोशिश कर रही हो। तुम्ही तो कहती थी है ना, तुम्ही कहती थी, सॉरी, तुम्ही कहती थी कि प्यार में कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, जो दिल में है उसे बोल दो। तो मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं, क्योंकि तुम भी इस वक्त बिल्कुल उसी तरह सोच रही हो, है ना, है ना? जो मैं सोच रहा हूं वो तुम सोच रही हो। अरे कम ऑन सुमन, बोलो ना, मैं सही कह रहा हूं ये, बोलो कम ऑन सुमन। सुमन हाँ, नंदनी मेरी प्यारी बहना, अच्छा हुआ तू आ गई। अच्छा नंदनी, अपनी भाभी का वो नेकलेस लेकर आना जो दिया था तुझे रखने के लिए। हाँ क्या हुआ नंदनी, नेकलेस नहीं है क्या? हाँ है ना, वो नेकलेस जो माँ को दिया था मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, मैं लाती हूँ। रहने दे, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। सुमन, तुझे माँ रसोई में बुला रही है, चल ना। इसका क्या, इसके हिसाब किताब तो कभी खत्म नहीं होने वाले, तू चल। लगता है नंदन सब कुछ जान चुका है। क्या हुआ सुन, क्या ढूंढ रही हो? पता नहीं अंशुमन जी, हमें ऐसा महसूस हो रहा है नंदन को सब कुछ पता चल गया, वो बार बार हमसे नेकलेस के बारे में पूछ रहा था। शांत हो जाओ, डर या शंका समाधान नहीं लाता, और फिर हम दोनों साथ हैं तो डर किस बात का? अंशुमन जी, हमें नंदन का डर नहीं है, हमें तो वक्त का डर है, कहीं वक्त हमारा साथ ना छोड़ दे। वक्त के साथ सब बीत भी जाता है और सब कुछ सही भी तो हो जाता है ना सुमन, और जब हमारे मन में कोई मैल नहीं है तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हम दोनों साथ हैं तो वक्त भी हमारे साथ होगा।
साथ हमारे मन के सारे डर खत्म कर देता है अंशुमन जी। तुम कहो तो मैं कल की मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। आप सभी बोर्ड मेंबर्स का वोट बहुत मायने रखता है, तो आप प्लीज अपना अपना वोट दीजिए। हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। नंदन तुम यहां क्या कर रहे हो? राय बहादुर खानदान का बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूं। पिपी नंदन, यहाँ बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है और उसी जरूरी मीटिंग का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको तो पता ही है, मेरा एक ही ड्रीम था, वो भी पूरा नहीं हो सका, तो कम से कम ये तो पूरा होने दीजिए ना। कौन सा ड्रीम जो पूरा नहीं हुआ? मर्चेंट ने भी ज्वाइन करने का ड्रीम। बिग्बी आपको तो अच्छे से पता है, बिग्बी एक्सीडेंट के पहले मेरा एक ही सपना था, मर्चेंट ने भी ज्वाइन करना, वो तो ड्रीम ड्रीम ही रह गया, तो अब ये तो होने दीजिए ना प्लीज। वैसे आप क्या सोच रहे थे बिग्बी? जेंटलमैन, हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आखिर बात क्या है नंद? तुम ऐसे अचानक से ऑफिस आ गए, पहले बता देते, और फिर यहाँ आकर सबके सामने ऐसे बिहेव कर रहे हो, आखिर बात क्या है? मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ बिग्बी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ऑफिस आना आपको अच्छा नहीं लगा। आखिर मेरा भी तो हक है ना। ऑफिस आने के लिए बिग्बी, ऑफिस तो मैं अभी आ सकता हूँ, है ना? मैं सोच रहा था कि हर एक चीज पार्टी नहीं जा सकते, तो कम से कम बिजनेस का बर्डन ही बांट ले साथ में। अंदर क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर बिग्बी, मेरे अंदर और बाहर एक ही चीज चलती है। आप अपने अंदर कुछ छिपा रहे हैं और बाहर कुछ दिखा रहे हैं। अब देखिए ना, जब मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की बात की थी तो आप ही ने कहा था ना कि बिजनेस हैंडल कर, मर्चेंट नेवी वगैरह क्यों ज्वाइन कर रहा है, राइट? ओके फाइन, तुम्हें काम करना है ना, ठीक है, मैं तुम्हारा कैबिन तैयार करवाता हूं, तब तक तुम मेरे कैबिन से ऑपरेट करोगे, मैं घर से काम कर लूं। परफेक्ट। घर से काम, जाहिर है आप इसे पसंद करेंगे, आप सुमन माइनस नंदन। नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसे मैं किसी दूसरे तरीके से परफेक्ट करूंगा। कल जो कुछ भी हुआ बहुत अजीब हुआ, लेकिन वैलेंटाइन तो बस प्यार का दिन होता है, और प्यार हर दिन, और फिर हमारा प्यार तो हमेशा हमारे साथ है, और आज हमारे पास समय भी है, एकांत समय, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। 10 मिनट में तुम मुझे आउट हाउस में मिलो। अंशुमन जी ने ये नोट क्यों भेजा? शायद उन्हें समय नहीं मिला हमसे कुछ कहने का। कल रात के बाद हमारी अच्छे से बात भी नहीं हो पाई, और शायद तो वो है।
आखिर तुम आए गए मिस सुल्तानगंज, सॉरी मिसेस भागलपुर, आखिर मेरा प्यार तुम्हें खींचे लाया। वो क्या है ना कि ये शादी जयमाला ये सबके लिए प्रॉपर टाइम होता है, शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन सुमन सुहाग रात के लिए तो दिल में प्यार होना जरूरी है। हाँ सॉरी वो तो तुम्हारे दिल में है ना सुमन। कमाल यार कमाल सुमन, ये अब तुम्हारी इस चुप्पी को मैं क्या समझूं? सब कहते हैं कि चुप्पी में हामी होती है, and I'm damn sure कि तुम भी वही सोच कर यहाँ आई हो जो exactly इस समय मैं सोच रहा हूँ, है ना? You know, इस दिन का नाम मुझे हमेशा से इंतजार था, और तुम यहाँ आकर मेरी इस चाहत पे हमारी प्यार का मुहर लगा दिया है सुमन। आज हम सारी सीमाओं को तोड़ने वाले हैं सुमन। नंदन क्या कर रहे हो? आप दूर रहो आपसे प्लीज। आउट हाउस की लाइट क्यों जल रही है? इस वक्त कौन हो सकता है वहां? अरे क्या, प्लीज 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 सुमन, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं अकेला हूं, तुम अकेली हो, कब तक हम रीति रिवाज के नियमों के चक्कर में हम अपने आप को सजा देते रहेंगे? वक्त ने हमारी दूरियां बढ़ाई थी ना, वो वक्त अब खत्म हो चुका है। ओके क्या कर रहा हूं सुमन मैं? हाँ पति हूं मैं तुम्हारा, और मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें छू सकूं, और मुझसे मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। नंदन नंदन क्या कर रहे हो? दूर हटो हमसे प्लीज। पागल हुई हो क्या तुम? क्या गलत है इसमें? हाँ क्या गलत किया मैंने? गलत है, ये सब गलत है पागल, अब नहीं छू हो गए हो। अपने पति का उसकी पत्नी के करीब आना गलत है? हाँ मेरा तुमसे प्यार करना गलत है, तो सही क्या है? हाँ छुप छुप के किसी और से गले मिलना गलत नहीं है? मेरा तुम्हारे करीब आना गलत है, तो साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है। ये जो फरेब का चेहरा है ना, ज्यादा देर नहीं टिकता सुमन, और मैं देख रहा हूं तुम्हारी इस भोली सूरत के पीछे छुपे असली सीरत को। भोली भाली बनके, इनोसेंट बनके तुमने सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया है, पूरे परिवार को फंसाया तुमने अपने फरेब के जाल में, समझ रही हो? एक बीमार पति को झूठ बोला तुमने, उसके साथ फरेब किया है, और तुमने अपने इस फरेब के जाल में बिग्बी को फंसाया। हाँ तुम्हारा बिग्बी के साथ अफेयर चल रहा है ना? कुछ भी हो जाए इस फरेब का अंजाम तुम्हें अपना बनाकर ही होगा सुमन। नंदन अपने काम छोड़ो, मैं प्लीज छोड़ो, तुम अपनी मर्यादा बोल रहे हो नंदन, प्लीज।
संभालो सुमन, मैं आ गया हूँ ना, संभालो खुद को। नंदन को सब कुछ पता चल गया है। मुझे लगता है सब हमने किया है। अचमच वो हमारे रिश्ते को नाजायज समझता है और हमें। आखिर सच सामने आ ही गया। सच सामने। सच जानने का बहुत शौक है ना तुझे, आज मैं तुझे बताऊंगा सच क्या है।